ये हमने फंदे डाल लिए हैं इसमें, इस तरह फंदे डाल लिए हैं, और एक सलाई सीधी और एक सलाई हमने उल्टी बुन ली है। ये अब मैं इसमें आपको एक नमूना बता रही हूँ। ये सिलाई सीधी बुने, आठ फंदे इसमें, आठ फंदे हमने सीधे बुने और एक फंदा इसका काली ऊन का। इस तरह हमने गांठ लगाए और गांठ लगा के फिर एक फंदा सीधा बुने, बाकी फंदे इसके उतार। उल्टी उल्टी सिलाई में जो एक फंदा है उल्टी सिलाई में, यहाँ इसके बराबर से यहाँ से तीन तीन फंदों का तीन फंदे बुननी है। एक ये काला वाला जो फंदा आएगा, ये काला वाला, ये दो, ये इसके बराबर में से ये तीन फंदे हमने काले बुने हैं। तो बाकी करिए कर सीधी सिलाई में ये हमने पहला फंदा बुना था, उल्टी सिलाई में एक दो तो तीन फंदे काले काले करेंगे, अब इस सिलाई में पांच काले हो जाएंगे। इसके बराबर वाला जो ये फंदा है, ये वाला, इसे काला गुना। बाकी हर सलाई में एक एक फंदा काले का बढ़ता जाएगा। उल्टी सिलाई में भी एक फंदा बढ़ेगा, दो फंदे, एक इधर का एक इधर का उसका। इसके बराबर वाला लेना है, ये वाला, इधर काला बुनी। तो इसके बराबर वाला एक फंदा बुने, काला बुने। पीछे से ऊन जो है इसके ऊपर से उतारें इस तरह, तो आपको लंबी ऊन का वो नहीं पड़ेगा, इस तरह लपटें तो धागा ज्यादा नहीं खींचना जाता है।
ये आधा हिस्सा हो गया है, बुनाई का आधा नमूना है। हर सीधी सिलाई में, हर एक पहली सीधी सिलाई में एक फंदा बढ़ेगा, उल्टी सिलाई में भी एक फंदा इस तरह बढ़ेगा। एक एक फंदे के हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे कर लिए काले। अब ये कैसे घटती है, मतलब ये गाजरी रंग के करे जाएंगे। अब एक एक फंदे करेंगे, कैसे घटाती हैं इसको वो मैं बताती हूँ। इसे इस तरह करें, उल्टी सिलाई, जो काला वाला फंदा है इसे इस ऊन से ही बुन लें। ये घट गया है, बाकी काले बुन लें। इसके ऊपर से ऊन उतारें, जैसे इसको नीचे दबा लें, फिर इसको नीचे दबाएं, फिर इस तरह कर लें, तो ये ऊन जो है इस तरह रहता है नीचे। अभी जो एक फंदा बच गया है इसे गाजरी ही बुने इस तरह। सीधी सिलाई में भी इस तरह करें, ये वाला फंदा गाजरी रंग का बुने। अभी हमने एक बुना था, अभी इस वाले को बुनना है। दो फंदे हो गए गाजरी। इस फंदे को भी हम गाजरी बुनेंगे, बाकी फंदे काले बुनेंगे। अब ये तीन फंदे रह गए हैं, इसे एक इसे भी गाजरी बुनना है, एक फंदे को काला बुनना है, इसे गाजरी बुनना है। अभी एक फंदा रह गया है इसमें, इसे बुनने के लिए फंदे को भी गाजरी ही बुनना है इस तरह। ये आपका एक नमूना तैयार हो गया।